हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टू होलिस्टिक आयुष्वेद। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन की बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मेरे सारे अपडेटेड वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है गंडुश। गंडुश का मतलब होता है नॉट अ गार्गलिंग, गंडुश का मतलब होता है जो भी लिक्विड सब्सटेंस आप अपने मुँह में होल्ड करके रखते हैं उसे, उसकी मूवमेंट होती रहती है कंटिन्यूसली अपने मुंह में, और उस प्रोसेस को हम गंडुश कहते हैं। उसे हम गंडुश और कवल कहते हैं। गंडुश मतलब जो भी आप लिक्विड सब्सटेंस यूज़ करोगे अपने माउथ वॉश के लिए या माउथ क्लीनिंग के लिए, वो आपको 15 से 20 मिनट तक होल्ड करके रखना है। और कवल का मतलब है कि आप जो गागल करते हो, जो आप यूजुअली ब्रश करने के बाद जो गागलिंग करते हो, आपके माउथ को क्लीन करते हो, उसे हम कवल कहते हैं। और कवल का मतलब ये भी होता है जब आप के गले में खराश होती है या आपका गला दर्द करता है, तो जो आप नमक के पानी से या गर्म पानी से, कुनकुने पानी से गार्गलिंग करते हो, उसे हम कवल कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको गंडुश और कवल इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस समझ में आ गया हो। आगे मैं प्रोसीजर में दिखाऊंगी कि गंडुश कैसे किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। भी क्वेरीज रहती है, आपको कोई और चीज़ जाननी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि गंडुश क्यों किया जाता है और गंडुश किन किन लोगों को करना चाहिए। गंडुश को हम बोलते हैं ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग आजकल बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डेली रूटीन होना चाहिए हमारी डेली लाइफ का। तो मॉर्निंग रूटीन है, इसे आपको सुबह उठते ही करना है बिना ब्रश किए। सबसे पहले आपको ऑयल पुलिंग की प्रोसीजर करना है, उसके बाद आपको ब्रश करना है। तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं इसे आपको करना क्यों है। अगर आपके मुंह से ख़राब बदबू आ रही है या कि बैड ब्रेथ आती है, द नेक्स्ट थिंग अगर आपकी गम्स जो है वो ब्लीडिंग गम्स है, उनसे खून निकलता है या उनमें दर्द रहता है, तो उस चीज़ में आप ये कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आपके दांतों में सड़न है, आपकी दांत जल्दी सड़ जाते हैं, या आपके दांत बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, उस चीज़ में भी आप ये कर सकते हो। या आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मुंह आपका एकदम बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, हमेशा ये आपको होते रहता है, तो आप इस चीज़ में भी ये कर सकते हो। और ये एक इंटरनल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आपके माउथ के अंदर, आपके ओरल कैविटी के अंदर। और साथ ही साथ ये जिस सब्सटेंस या जिस चीज़ से हम लोग करते हैं वो एंटीबैक्टीरियल मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी ये भी होनी चाहिए, जिससे हमारे मुंह के सारे बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाए, होता है मुंह में या कोई इन्फेक्शन है, जो भी चीज़ है वो ख़त्म। मैं आपको बताया था कि बैक्टीरिया या इन्फेक्शन ये सिर्फ स्टमक या इंटेस्टाइन में नहीं, तो बाकी हमारी बॉडी पार्ट्स में भी होते रहता है, और इस चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए, इसे ट्रीट करते रहना चाहिए। और ये तो मैं आपको ऑयल पुलिंग या आपको डेली रेजिम का हिस्सा बता रही हूँ जो आपको डेली रूटीन में करना चाहिए। तो अगर आपके मुंह में बैक्टीरिया है तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप कौन से चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, व्याधि और उसकी अवस्था के हिसाब से जो भी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं वो वैरी करती है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्वाथ मींस काढ़ा, घी हम यूज़ कर सकते हैं, दूध हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ऑयल्स हम यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल्स में हम बहुत सारे ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ऑयल यूज़ करना है। तो अब हम देख लेंगे कि हम डेली में कौन सी चीज़ से प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑयल पुलिंग की, जिससे ये हमारी बॉडी को ना हार्म करे ना इस चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट हो। हम ऑयल पुलिंग के फ़ायदे बाद में जानेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं इसे करना कैसे, ठीक है। तो अब ऑयल पुलिंग के लिए यहाँ पर मैं कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। कौन से ब्रांड का यूज़ करना है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छे वैरायटी के कोकोनट ऑयल प्रोवाइड करते हैं, कोई भी नॉर्मल जनरल कोकोनट ऑयल आपको नहीं यूज़ करना है। फ्रेश, अच्छा और अच्छी क्वालिटी का कोकोनट ऑयल आपको यूज़ करना है, क्योंकि ये आपको आपके माउथ में होल्ड करके रखना है। तो जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी आपको गंडुश की प्रोसीजर को कैसे आगे बढ़ाना है। देख रहे हैं वीडियो में मैंने ऑयल ले लिया है, ये कोकोनट ऑयल है और ये एक्चुअली ठंड की वजह से जम चुका है, इसलिए इसे गर्म करके या इसे लिक्विड फॉर्म में डाइल्यूट करके आप इसे ले सकते हैं, या तो फिर आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं। माउथ का टेम्परेचर इतना होता है कि ये कोकोनट ऑयल को अच्छे से मेल्ट कर देगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस 2 चम्मच इज़ इनफ। और अगर ये जम चुका है तो इसे आप आधा चम्मच ही ले, क्योंकि वो माउथ में जाके मेल्ट होता है और उसके बाद उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम लोग गंडुश करते हैं या कोई चीज़ को अपने माउथ में होल्ड करके रखते हैं, तो उसके साथ साथ सलाइवा का सिक्रीशन भी वहाँ पर होता है, जिसके वजह से उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और इसे हमें मुँह में इसकी मूवमेंट करते रहना है। तो इसीलिए आपको इसकी क्वांटिटी एकदम 2 चम्मच बस उतनी ही रखनी है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको इसे मूवमेंट करते रहना है अपने मुंह में, और फिर इसे आपको स्पिट कप करना है, मतलब इसे आपको मुंह से बाहर का फेंकना है। इसे गिटकना बिल्कुल भी नहीं है, इसे आपको अंदर नहीं लेना, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना।
वरना जो बैक्टीरिया आपके मुंह में प्रेजेंट है वो आपके बॉडी में एंटर होंगे, जो हम नहीं चाहते, ऑब्वियसली नहीं चाहते। ये प्रोसीजर करते वक्त आप आपके घर के छोटे मोटे काम कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, आप जैसे बेड ठीक करना है, प्रोसीजर कर रहे हो तो कंटिन्यूसली आपको मूवमेंट करते रहना है, और जब आपको लगे कि अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता तो स्टार्टिंग के डेज में 5 से 10 मिनट इज़ इनफ। जब आप 15 से 20 दिन ये डेली करना चालू कर दोगे तो आप 10 मिनट ईजीली कर पाओगे। वैसे तो इसे प्रैक्टिस करते हैं 15 से 25 मिनट के लिए, बट अगर आप बिगिनर्स हैं, आप इसे पहली बार कर रहे हैं, तो आप मिनिमम इसे 5 मिनट के लिए कीजिए, उसके बाद धीरे 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 टाइम पीरियड इंक्रीज़ कीजिए। आपको लगे कि आपकी प्रोसीजर का 5 मिनट हो चुका है, या फिर आपको लगे आप इसे और ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, तो आपको इसे स्पिट कर देना है, मतलब इसे थूकना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, इसे बेसिंग सिंक या कमर में बिल्कुल भी, या आपके बाथरूम में बिल्कुल भी ना स्पिट करें, बिल्कुल भी वहाँ पे ना थूके, क्योंकि ये ऑयल होता है और ये इजीली किसी भी चीज़ को चिपक जाता है, ये वहाँ से नहीं निकलेगा और बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी। तो आपको इसे आपके डस्टबिन में जो प्लास्टिक से कवर्ड होती है उसके अंदर ही स्पिट करना है। अब इसके बाद कुछ नहीं, बस इतनी प्रोसीजर, बहुत ही सिंपल है, छोटी सी प्रोसीजर है, इसलिए आप इसे डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं सुबह। उसके बाद आपको बस कुनकुने पानी से आपका माउथ वॉश कर लेना है, और आपके चेहरे पर भी आपको थोड़ा सा कुनकुना पानी स्प्रेड करना है, मतलब चेहरा उससे धोना है, एकदम कुनकुना पानी जितना आपसे सहन हो, ओके। उसके बाद आपको ब्रश कर लेना है, उसके बाद आपका डेली रूटीन जो चालू हो जाएगा, अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऑयल पुलिंग जैसी चीज़, ये बहुत ही एंशियंट टाइम से प्रैक्टिस की जा रही है, इसे गंडुश कहते हैं, ग्रंथों में इसका नाम उल्लेख गंडुश के अंतर्गत किया हुआ है। और उसके बाद कवल मीन्स गार्गलिंग, गार्गलिंग के लिए तो हम बस पानी लेते हैं और उसके थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते हैं, गले को थोड़ा सा आराम मिलता है उससे, उसके बाद उसे स्पिट कर देते हैं, उसके बाद दूसरा पानी या दूसरा काढ़ा, मिल्क, घी जो भी है वो लेते हैं। ऐसी प्रोसीजर्स 3 से 4 बार रिपीट की जाती है, बट उसके बाद 15 से 20 मिनट तक आप अगर ये चीज़ करते हैं तो आपके मुंह से बिल्कुल गंदी बदबू नहीं आएगी, आपके दांत जल्दी ख़राब नहीं होंगे, और साथ ही साथ अगर आपको ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है या आपके दांत में हमेशा दर्द रहता है तो वो भी चीज़ नहीं होगी। और एक चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर किसी को अल्सर का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अल्सर मुँह में रहते हैं, तो वो हनी का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। इसके हनी के वजह से हमारे मुँह में जो अल्सर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, बहुत जल्दी उससे रिलीफ मिल जाता है। और फिर भी अगर आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं तो आपके अल्सर्स पे ये बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाएगा, आपके अल्सर बहुत जल्दी कम हो जाएंगे और आपके मुँह में जो भी अदर कोई इन्फेक्शन होगा वो भी कम हो जाएगा। और साथ ही साथ ये आपके मुँह के अंदर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और ये आपके मुंह को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देता, इन्फेक्शन से दूर रखता है। अभी आप देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। ये आपके दांतों को सफ़ेद करता है, स्ट्रेंथन योर गम, जॉ लाइन और आपके टीथ्स को, उसके आपके मुंह में के बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, या किसी को जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम होगी वो भी इससे आपकी कम हो जाएगी। बहुत से लोग जब इसे प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनने ये भी ऑब्जर्व किया कि इससे उनकी नींद बहुत अच्छी हो गई। जिनको इंसोम्निया जैसी तकलीफ है, जिनको नींद नहीं आती, उनके लिए ये बहुत अच्छा रूटीन रहने वाला, दर्द की प्रॉब्लम है, बात बात पे थोड़ा मिसमैच होने के बाद आपका सर दर्द करने लग जाता है, चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। और अगर किसी को माइग्रेन की तकलीफ़ है, किसी को बार बार सर्दी की तकलीफ़, सर्दी होने की तकलीफ़ है कि थोड़ी भी ठंड लगने के बाद जल्दी सर्दी हो जाती है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा एक रूटीन हो जाएगा। आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आजकल डिटॉक्सिफाई करने के लिए कितनी चीज़ें बताई जाती है, बट हर चीज़ में आपको 1 से 2 घंटा देना पड़ता है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ईजिली हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि किसी को ऑयल से प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं लगता किसी को ऑयल के टेस्ट से, कोकोनट ऑयल के टेस्ट से प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत से लोग होते हैं जिनको घी पसंद नहीं होता, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, तो घी के जगह कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव, इसे आप इंटेक भी कर सकते हैं। बस इस प्रोसीजर के बाद की बात कर रही हूँ मैं, इस प्रोसीजर के ड्यूरिंग आपको इसे इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कोकोनट ऑयल के और क्या क्या फ़ायदे हैं और इसे किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, क्या इसे हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक माउथ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आप कंसल्टेशन के लिए मुझे नीचे कॉमेंट में मैसेज कर सकते हैं, या तो फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगी। इसके लिए आपके सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि सारे अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। थैंक यू।